एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत दिन से ये काम मेरा अटका हुआ था, ये अलमारी कब से सोच रही थी थोड़ा बाहर से मैं डस्टिंग कर दूं। पूरा जो कोने कोने में है ना, ब्लैक ब्लैक सा डस्ट जम गया था, तो वो मैंने अभी क्लीन किया है। पूरी तरह से तो नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा, और प्रॉपर करूंगी ना मैं, अंदर से भी करूंगी डीप क्लीनिंग, तो आप लोग को दिखाऊंगी। अभी क्या 12 बज रहा है और सुबह का टाइम ऐसे बीत जाता है ठंड में ना, पता ही नहीं चलता है। तो अभी हो गया लंच बनाने का टाइम, सबको भूख भी लग रही है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं बनाऊंगी निमोना और चावल, और निमोना की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग कैसे बनाते हो मुझे भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आप लोग जब कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो चले बनाने के लिए, बट उससे पहले चलिए मैं आपको चिकू को दिखा देती हूँ, यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। धूप तो बहुत अच्छा हुआ है, और चिकू डांस कर रही है कि गाना गा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, मस्ती। चलिए दिखाती हूँ मैं, और फिर रेसिपी बनाती हूँ, ठीक है। और ये चिकू है, और उनको टीवी देखना है, और बाहर धूप देखिए अच्छी खासी निकली है, अच्छा है, धूप अच्छा निकल गया है। अब चलिए अपना काम भी करेंगे हम। क्या हुआ चिकू? डांस कौन से गाने पे डांस कर रही हो? कौन से गाने पे डांस कर रही हो बेटा? की मस्ती चल रही है, तो चलिए अब हम उनको मस्ती करने देते हैं, अपना काम करते हैं हम। मटर का निमोना, इसके लिए मैंने मटर ले लिया, और मटर को मैंने ऐसे नहीं पीसा है, इसमें मैंने अदरक, खूब सारा लहसुन और काली मिर्च और जीरा डाल दिया है, उसके साथ मैंने इसे पीसा है। अगर आप नहीं डालते तो डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा निमोना बनता है, और खुशबू बहुत अच्छी आती है अदरक लहसुन और जीरा की और काली मिर्च की। तो बस इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, आलू कट कर लिया है, मैं बना रही हूँ निमोना। तो चलिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ निमोना। और यूपी का ना बहुत ज़्यादा फेमस है ये रेसिपी निमोना वाली, बट मोस्टली क्या करते हैं लोग इसे प्लेन ही पीसते हैं। बट आप इसमें जो मैं बता रही हूँ अदरक लहसुन जीरा और काली मिर्च डाल के पीस के बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस तेल गर्म हो गया है, और हम इसमें लगा लेंगे जीरे का तड़का, ठीक है। जीरा और मेथी भी लगा सकते हैं, मेथी का भी अच्छा खुशबू आता है निमोना में, तो मेथी भी डाल दूंगी मैं थोड़ा सा। और हींग तो कंपल्सरी है, और वैसे भी मैं हर चीज में मोस्टली डालती ही हूँ, ये डाल दिया है। इसमें आपको ना फिर अलग से अदरक लहसुन का मतलब डालना नहीं पड़ेगा, आप पेस्ट चाहो तो थोड़ा यूज कर सकते हो, बट नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे, और बहुत अच्छा लगता है, निमोना का जो टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है। तो इसे हमें फ्राई कर लेना है, और उसके बाद सारे जो मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। मैं जो निमोना बनाती हूँ ना, पिसा हुआ तो रहता ही है, साथ में ना थोड़े से खड़े वाले भी यूज करती हूँ मैं, तो इससे जो निमोना है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थोड़े खड़े रहेंगे और थोड़ी पिसे हुए रहेंगे। तो ये हमारा फ्राई हो गया, इसमें मसाले ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर, बस उसे थोड़ी देर के लिए, बस एक सेकंड के लिए फ्राई हो जाएगा, फिर हम जो निमोना हमने पीसा था वो डाल देंगे, ताकि ये जो हमारा जो पेस्ट है मटर का ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये जो अभी आपको ग्रेन दिख रहा है ना, ये आपको मतलब डार्क कलर हो जाएगा फ्राई होते होते, और थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा, ठीक है। तो भूनना भी इसका जो मेन स्टेप होता है ना, भूनना ही होता है। तो इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस स्टेज पे हमको इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। ये देखो आप कलर चेंज हो गया है, और ये फ्राई हो रहा है, और मैं इसे मीडियम हीट पर फ्राई कर रही हूँ, तो 5 मिनट आराम से लग जाते हैं इस पेस्ट को फ्राई होने में। क्योंकि अगर ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा ना, तो ग्रेवी आपकी अच्छी नहीं बनेगी,
और इसमें जो मैंने अदरक लहसुन जीरा काली मिर्च पीस के डाला था ना, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो बस इसे फ्राई कर लेंगे, हाफ फ्राई हो गया तो इसी में आलू भी ऐड कर देंगे अब साथ में, ताकि ये भी थोड़ा सा इसके साथ कुक होता रहे। ठीक है, टमाटर अभी नहीं डालना है, या तो आप टमाटर स्टार्टिंग में ही डाल लीजिए जब फ्राई करते हैं ना प्याज वगैरह, तभी डाल लीजिए, या फिर आप अगर उसमें नहीं डाल रहे हैं तो मटर को अच्छी तरह से, ये पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद तक टमाटर डालिए। अगर बीच में डाल देंगे ना तो ना मटर अच्छे से फ्राई हो पाएगा और ना ही आपका ग्रेवी अच्छे से रेडी होगा। तो इसे हमें बस चलाते रहना है, इसको चलाने में ही ज़्यादा मेहनत है। तो इसे थोड़ा सा और फ्राई कर ले और थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए, देन ये हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लो कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, कटा चाहो तो कटा डाल दो, पीसा चाहो तो पीसा डाल दो। मैं पीस के डालूंगी टमाटर, मैं पीस के डाल दूंगी, इससे क्या है ना अब जल्दी हो भी जाएगा, अच्छा लगेगा ग्रेवी। इसे रिंस करके बाद में डाल दूंगी मैं। इसमें डाल देंगे नमक, नमक डाल देंगे ताकि सब चीज़ अच्छे से कुक होता रहे। ठीक है, अभी आपको इस तरह से दिख रहा है, जब ये बनेगा ना तो आप कलर देखना, बहुत अच्छा निमोना रेडी होता है। मिला के इसे ढक देंगे एकदम लो हीट पर, ताकि आलू और सब अच्छे से हमारा गल जाए। ठीक है, बीच बीच चेक करते रहेंगे, अदरवाइज ये पकड़ लेगा फिर जल जाएगा, टेस्ट खराब हो जाता है, तो इसको चेक करते रहेंगे या इसे ढक। चलिए देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखो आप, तो कलर देख के लग रहा होगा कितना अच्छा कलर भी आया है। तो थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे, फिर मैं इसमें ग्रेवी डाल लूंगी। तो 10 मिनट तो लग ही जाता है इसको बनाने में, बट ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से आप बनाएंगे तो। हमारा फ्राई हो गया है, ये देखिए आप, कलर देख के लग रहा होगा आपको। अब हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे जितना हमें खाना है। ठीक है, बस इसे हम ढक देंगे और लास्ट में धनिया डाल देंगे, जितना हमें खाना उतना पक्के कर लेंगे फिर धनिया डाल देंगे। निमोना रेडी। तो ये देखिए निमोना जो हमारा है ना वो डन हो गया है, और ये रखने से भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो ये देखो धनिया हमारा ये रेडी हो गया है। मैं इसे आपको धनिया भी डाल के दिखाती हूँ, और सर्व कर लेते हैं हम इसे प्लेट में। और बहुत अच्छा बना था, बहुत यम्मी बना था, और बहुत फ्लेवरफुल बनता है ये निमोना। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छी तरह से सर्व करके। ये देखिए हमारा यम्मी सा ये निमोना रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और मेरे इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही फ्लेवरफुल बना था। ठीक है, तो चलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।